अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। सर जो नोट्स भी बनाने हैं वो आप प्री के लिए तो बिल्कुल मत बनाइए, मेंस के लिए कभी कोई एक एग्जांपल मिल गया जो आप ऐसे में लिख सकते हो, जैसे कि कोई एक कहीं किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है कि वो फिनोमिनल है, उसको अवार्ड किया, जैसे महाराष्ट्र में किसी टीचर को अवार्ड दिया गया था प्राइमरी स्कूल में, उसको एक दो लाइन में लिख लिया, वो कहीं एग्जाम्पल में कोट करने को मिलेगा। बाकी हर चीज को नहीं, आपके ऑप्शनल से, जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई न्यूज है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, वो कहीं लिख लेती थी, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि कंपाइलेशन में कवर की जाए। अननेसेसरीली नोट मेकिंग से बचना है, और न्यूज़पेपर्स को कभी रिवाइज नहीं करना, पढ़ लिया हल्का सा, पढ़ने के जस्ट बाद हल्का सा रिकॉल कर लिया, दैट इज इट, दैट इज सफिशियंट, नो नीड टू स्टोर द न्यूज़पेपर, नो नीड टू रिकॉल इट मल्टीपल टाइम्स। सही बात। अच्छा, इसी के साथ नोट्स आप कैसे बनाती थी, ये जो बाकी चीजों के लिए आपने बनाया, डिजिटल में, हैंड रिटन में, कौन सा आपने सॉफ्टवेयर यूज किया? मैंने ज्यादातर नोट्स हैंड रिटन ही बनाए हैं, वो मेरा लेवल ऑफ कंफर्ट है। बाकी कुछ नोट्स मैंने ट्राई किए थे शुरुआत में, तो मैंने वन नोट एक जो आता है एप्लीकेशन वो यूज किया, लेकिन वन नोट मुझे कंफर्टेबल तो लगा यूज करने में, लेकिन जो मेरा एप्टीट्यूड था वो हैंड रिटन की तरफ थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने नोट्स हैंड रिटन ज्यादा बनाए हैं। जी वही चीज है, कुछ लोग पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं। मित्रों, या तो हाथ से बने या सॉफ्टवेयर जो भी यूज करें तो कोई एक पकड़ो, फिर ऐसा नहीं एक दिन वन नोट यूज किया फिर सपना आ जाता है कि एवर नोट यूज करूं, तो पूरी नोट्स की फॉर्मेट इधर से उधर कॉपी करने में बहुत सारी चीजें, वो बुलेट और ये सब मिस हो जाए। सो स्टिक टू व्हाट एवर यू आर यूजिंग। मैं एक कमेंट भी देख रही हूँ, उसमें वो किसी ने पूछा PIB वगैरह, तो नहीं मैंने कुछ ये PIB वगैरह कुछ नहीं देखा, इतना इम्पोर्टेंट होगा तो कंपाइलेशन में आ जाएगा, उसके लिए मैंने कभी बॉदर नहीं किया। एकदम सही बात है मैम, कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट, वो तो सरकार की, उसमें डेली 50 अपडेट आती रहे, जो काम की होगी योजना वो तो करंट अफेयर्स वाले ये सब उसके अंदर आ ही जाएगा। सो वही सब, वो छोटी छोटी चीजों को चेस करने के चक्कर में मेन चीज जो अपनी वो रहनी जानी चाहिए नोट्स मेकिंग में। एज मैम सेड, ये जो प्रीलिम्स की नोट्स नहीं बनानी है, ऐसे कोटेशन, केस स्टडी, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन वगैरह के रिलेटेड कुछ चीजें हो तो हमने वो करना चाहिए। UPSC CSE की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अन अकेडमी पे अभियान, T20 जैसे टेली टेस्ट्स आपको UPSC CSE की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अन अकेडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें, अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अन अकेडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।